तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब सालार की जो तबाही चल रही है, प्रशांत नील के करियर की जो पहली मूवी बन चुकी है आफ्टर केजीएफ 2, जिसने वर्ल्ड वाइड डे वन पर इतनी भयंकर भयंकर ओपनिंग ली है। भाई दिस इज सॉलिड सॉलिड ऑसम मूवी, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है। लोग जनता ना खुल रही दिल से प्यार दे रही है भाई, दोनों हाथ भर भर के पैसा थिएटर्स में लुटा रही है, क्योंकि भाई बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में तबाही भाई क्रैकिंग देखने को मिल रही है, जिस हिसाब का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। लाइक कल सैटरडे पे भी जबरदस्त कमाई करी, और संडे जो थर्ड डे चल रहा है भाई जंप मारा है। सैटरडे पर सेकंड डे पर डाउन हुआ था, लेकिन आज फिर से जंप मारा है, जबरदस्त कलेक्शन। कल फुल डे ऑक्यूपेंसी रही है ओवरऑल 75% की। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सभी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब डे वन पर ये मूवी नेट इंडियन कलेक्शन 90 करोड़ 70 लाख कर चुकी है, जिसमें से तेलुगु से इसने कलेक्शन किया है 66 करोड़ 75 लाख, मलयालम से आया है 3 करोड़ 55 लाख, तमिल से आया है 3 करोड़ 75 लाख, एंड कन्नड़ा लैंग्वेज से आया है 90 लाख। और हिंदी लैंग्वेज भाई साहब बहुत कोशिश करी गई थी कि डे वन पर यानी फ्राइडे को इसको सोज नहीं मिले, जो क्लैश भी चला था, जो कॉन्ट्रोवर्सी भी चली थी कि पीवीआर आईनेक्स में डे वन पर नॉर्थ में, खैर हिंदी से इसे कोई भी सोच नहीं मिली। लेकिन भाई साहब जो उसके बाद क्लैसेस चले हैं, जो उसके बाद पीवीआर आईनेक्स की धज्जियां उड़ाई गई है भाई, 15 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन डे वन से आए सिर्फ हिंदी से। भाई हिंदी ऑडियंस ने भी जी खोल के प्यार दिया है, और डे वन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये मूवी 178 करोड़ 70 लाख का ह्यूज ह्यूज कलेक्शन अपने नाम कर चुकी है भाई, प्रशांत नील के करियर की। आफ्टर केजीएफ 2 जो 164 या फिर 165 करोड़ के आसपास डे वन का ओपनिंग रिकॉर्ड है, प्रशांत नील की सालार ये उसके करियर की नंबर वन मूवी बन चुकी है, जिसने इतनी ह्यूज ह्यूज ओपनिंग ली है। भाई साहब थोड़ा सा अगर इस साल इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज नहीं आती लाइक जवान, पठान, लियो, तो हो सकता था ये जो कलेक्शन है वो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता, ट्रिपल आर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता, क्योंकि ट्रिपल आर ने वर्ल्ड वाइड 220 या फिर 222-223 करोड़ के आसपास डे वन पर गंवाया था, और बाहुबली 2 ने 200 करोड़ के आसपास टच करा था, तो वो रिकॉर्ड भी टूट जाता। लेकिन भाई फिर भी देखा जाए तो इतनी सारी मूवी जाने के बाद भी, साथ में डंकी का क्लैश चलने के बाद भी, ये मूवी डे वन पर 178 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन कर चुकी है भाई, ह्यूज 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 अचीवमेंट है भाई द सालार। भाई प्रभास द डार्लिंग प्रभास का ऐसा कमबैक, भाई फैंस इस मोमेंट का, इस मूवी का, मतलब प्रभास के ऐसी मूवी का, ऐसे करेक्टर का, मतलब मास एक्शन और वहाँ प्रभास ना हो, मतलब मास प्लस एक्शन देन प्रभास, और ये जब कॉम्बो होता है तो भाई ब्लॉकबस्टर होता है, और वो प्रूव होते नजर आ रहा है, जो फैंस ने खुले दिल से प्यार दे रही है भाई। डे टू कल की बात करते हैं, कितना क्या कलेक्शन आ रहा है, अर्ली एस्टिमेट लगभग 55 करोड़ के आसपास नेट इंडिया से आते नजर आ रहे हैं, जो क्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ बनता है, ओवरसीज से 34 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल डे टू पर एंड ऑफ द डे तक 102-103 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आ रही है। तो पहले दो दिन में ये मूवी कितना कलेक्शन कर लेती है भाई साहब, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ऑल लैंग्वेज मिलाकर पहले दो दिन में 145 करोड़ 70 लाख के आसपास दिख रहा है। ग्रॉस वही कलेक्शन दो दिन का दिख रहा है 180 करोड़, ओवरसीज से पहले दो दिन में 99 करोड़ के आसपास आते नजर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया से 280 करोड़ का ह्यूज ह्यूज कलेक्शन ही अपने खाते में सिर्फ पहले दो दिन में रख चुकी है, जो कि तबाही है भाई। 2023 में ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं जो दो ही दिन में 250 करोड़ 300 करोड़ 270 करोड़ ऐसे कवर अप कर रही हैं, और सालार वन उनमें से एक है जो नंबर वन बन चुकी है भाई। डे थ्री या संडे की बात करें तो आज का क्या कलेक्शन है, आज का क्या रुझान है भाई, आज भी तबाही देखने को मिल रही है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज तो लगभग 79-80% देखने को मिल रही है, साथ में डंकी चल रही है, बावजूद इसके भाई हिंदी में भी क्या पकड़ बनाते जा रही है ये मूवी, जबरदस्त है भाई। लग नहीं रहा था कि यार राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की ये जोड़ी जो डंकी हिंदी में चलेगी तो नहीं आएगा उतना कलेक्शन, लेकिन फिर भी उम्मीद से ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, हिंदी ऑडियंस भी दिल खोल कर प्यार दे रही है। और भाई आज की डे थ्री की बुकिंग हुई है 21 करोड़ 8 लाख, जो कल से भाई 2 करोड़ ज्यादा ही है, और 9,61,572 टिकट ये लोग आज बेच चुके हैं, जिसमें तेलुगु से ह्यूज रेस्पॉन्स है, 13 करोड़ 56 लाख का सिर्फ और सिर्फ तेलुगु से बुकिंग आई है, हिंदी से भाई हिंदी से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने लग गया है, अब 5 करोड़ 56 लाख का कलेक्शन सिर्फ एडवांस बुकिंग से हिंदी से आते नजर आए। तो भाई आज थर्ड डे पर क्या ही ये रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा, क्या ये मूवी तबाही करेगी भाई, नेट इंडिया से सिर्फ आज
63 से 65 करोड़ के आसपास कलेक्शन करते नजर आ रही है डे थ्री में। जो ग्रॉस कलेक्शन आज डे थ्री पर आते नजर आ रहे हैं 78 करोड़, ओवरसीज से 35 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज डे थ्री पर यानी अपने फर्स्ट संडे में क्या तबाही मचा रही है यार ये मूवी। 113 करोड़ के आसपास सिर्फ आज सिर्फ डे थ्री में आते नजर आ रहा है पूरी दुनिया से। भाई तबाही है, बिल्कुल तबाही है। और ऐसे में आज ये एंड ऑफ द डे तक यानी पहले तीन दिन में 393 करोड़ का ह्यूज अचीवमेंट अपने खाते में रख लेगी, जो अभी भाई डे टू यानी कल की रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है। हु नोज, देखो कल उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये मूवी 165 करोड़ कमा लेगी डे वन के लिए, उम्मीद जो लगाई जा रही थी अर्ली एस्टिमेट, लेकिन जब भी फाइनल रिपोर्ट आई है मेकर्स की तरफ से 178 करोड़ कमाए हैं, तो उम्मीद से 10 करोड़ ज्यादा ही देखने को मिला, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े भाई उन्हीं के हाथ में रहते हैं, पूरे फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हो सकता है कल डे टू का जो आंकड़ा आएगा पूरा मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, तो हो सकता है जो 393 करोड़ डे थ्री पर देखने को मिल रहा है 400 करोड़ पहुंच जाए, और इजली पहुंच जाएगा, क्योंकि जो अर्ली एस्टिमेट लगाई जाती है भाई साहब वो ऑफिशियल आंकड़े से थोड़ा नीचे ही लगाई जाती है, अज्यूम जो करा जाता है मिनिमम स्केल पर ही करा जाता है। और भाई 400 करोड़ आज अगर इस मूवी के हो जाते हैं डे थ्री में तो भाई मजा ही आ जाएगा। जो प्रशांत नील के द्वारा प्रॉमिस करा जा रहा था कि भी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है इस साल की, और यस ये होगी और जबरदस्त फाड़ के जाएगी। तो भाई ये मूवी क्या 400 करोड़ आज डे थ्री पर कंप्लीट कर जाएगी नहीं कर जाएगी, आप लोगों का क्या कहना है? दूसरा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर आप लोगों ने भी इस मूवी को देख लिया, आपको कैसी पसंद आई है? एक्शन के मामले में क्या ही आंख फाड़ी है इस मूवी ने आपके हिसाब से, नीचे कॉमेंट में जरूर बता के जाना। और क्या वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है? क्या 1000 करोड़ टच कर सकती है नहीं कर सकती है? मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।